मुरादाबाद के वार्ड 35 में ख्वातीन में मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही हैं। जब हमारी टीम वार्ड 35 में पहुंची तो दर्जनों ख्वातीन वहां मौजूद थी। ना सिर्फ सिलाई मशीनें बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और मुफ्त एम्बुलेंस की सर्विस भी फराहम की जा रही। उन्होंने बताया कि क्या ये इंतखाबी वादा है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के बाद भी ऐसा काम करेंगे। ठंडी का मौसम आ चुका है लेकिन चुनाव का मौसम गर्म है। जी हाँ, बात करते हैं दर्जन निगम के चुनाव की। मोस्टली ठेकेदार वार्ड 35 के जो कि दावेदार है कांग्रेस से, आइए बात करते हैं आखिर क्यों उनकी अड़ती महिलाओं की भीड़ लग रही है, काले काले गोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मशीन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र भरे जा रहे हैं, पैन कार्ड ये लोग अपने लेने आ रहे हैं, पैन कार्ड रखे हैं, ये सब अपना काम करा रहे हैं। मोहसिन जी, अगर देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ, आपके भाई आप ही काम कर रहे हैं, आपको देख एक आप दावेदार और कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही किसी विधायक के यहाँ वो कार्य मिले, ना ही सांसद के यहाँ वो कार्य मिले, आप क्या ही लेके जा रहे हैं। देखिए, इन सब बातों के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आदमी को लगन होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, पब्लिक का साथ देना चाहिए। मेरे वार्ड में ज़्यादातर 70% पब्लिक गरीब है, जिनके के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं, आय प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं, पैन कार्ड तक नहीं बने हुए हैं और ना ही उनके बैंक में इस वजह से खाते खुल पा रहे हैं। ये सब समस्याओं को देखते हुए मैंने ये काम शुरू किया है अपने वार्ड के। अच्छा, आपने वार्ड के अब तक टोटल कितने आधार बना चुके हैं? देखिए, आधार तो मेरे जो बनना है PNB बैंक में बनना है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी जा रहे हैं, वहाँ बनवा रहा हूँ मैं, और बाकी पैन कार्ड मैं अपने ही वहाँ बनवा कर दे रहा हूँ, आय प्रमाण पत्र अपने ही वहाँ से बनवा के दे रहा हूँ तहसील द्वारा। अच्छा, अभी तक आपने एम्बुलेंस शुरू किया है, लगभग लगभग वार्ड 35 के कितने लोगों से इस्तेमाल कर चुके हैं? वार्ड 35 के अब तक कम से कम 5 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी परसों रायनी गली से एक लेडीज जिनकी किडनी खराब हो गई थी वो दिल्ली गई हैं ऑल इंडिया हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरा खास था जिसकी भी तबीयत खराब हो रही है मुझसे ही मांगा। अच्छा, आपने अपनी माता के नाम से एक सिलाई मशीन लगाई थी, तो लगभग लगभग टोटल आज तक कितनी सिलाई मशीनें बांट चुके हैं? वो हिसाब नहीं है, दी जा रही है सबको। कितनी बांटने की उम्मीद है टोटल? कुछ नहीं पता, अल्लाह कितनी बंटवा दे। जब तक 1,000, 2,000, 500, 400, 300, 500, 600 कुछ तो गिनती होगी। देखिए, एक वादा मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि जितनी लोग यहाँ फॉर्म भर रहे हैं और जितनों के अब तक भरे जा चुके हैं सबको सिलाई मशीन दूंगा। गवर्नमेंट देगी नहीं तो मैं अपने पास से दूंगा। अच्छा, ये चुनावी वादे हैं या चुनाव के बाद भी जिस तरीके से आप पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं आगे भी ऐसे काम करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ लग रही है आपके यहाँ तो लगभग लग रहा है कि कुछ शायद आपका हो जाए। देखिए, भीड़ वहीं लगती है जहाँ काम होता है, जहाँ काम नहीं होता वहाँ कोई नहीं। आगे अगर चुनाव जीत जाते हैं आप तो आगे क्या उम्मीद रखते हैं, इसी तरीके से काम होंगे या सिर्फ चुनाव तक काम? जीत जाने के बाद इनकी सेवा। क्या नाम है आपका? मेरा शमीम बारे नाम। शमीम जी, कहाँ आई है, क्यों आई है? मैं विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आई थी। कहाँ पर? मेंबर साहब के पास। कौन से मेंबर साहब है? ये मेंबर होने वाले मेंबर हैं? नहीं, आएंगे तो मेंबर करते ही हैं काम, ये तो करते ही हैं। क्या नाम है इनका? नाम क्या है इनका? मोहसिन ठेकेदार नाम है। मोहसिन ठेकेदार नाम है। तो हो गया आपका काम? नहीं, हो गया फॉर्म जमा। फॉर्म जमा हो गया, क्या उम्मीद ला सकती हैं आप इनसे? जी, काम हो गया या नहीं? फॉर्म तो भर गया। हाँ, फॉर्म भर गया। अब अल्लाह से भी उम्मीद लगाएंगे, कुछ इनसे भी लगाएंगे उम्मीद। अल्लाह के हुक्म होगा तो जभी तक इनकी भी उम्मीद पूरी होगी। ऐसी बात कोई बात है, वो बराबर ही होते हैं। किन के वहाँ होते हैं? इनके वहाँ होते हैं सब काम। क्या नाम है इनका? नाम इनका नाम मोहसिन ठेकेदार है।